नमस्कार, YouTube चैनल दी ठाट में आपका एक बार फिर से मैं दीवान सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं और मिलवा रहा हूं एक मधुमक्खी पालक से, और उनसे जानूंगा कि वो मधुमक्खी पालन कब से करते हैं और मधुमक्खी पालन में क्या समस्याएं आती हैं और उन्होंने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली आदि आदि बहुत सारे सवाल। राघवेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे को ये बताइए कि मधुमक्खी पालन आपने कहाँ से किया और कब सीखा और कब शुरू किया? देखिए, मधुमक्खी पालन का काम हमें अभी तो 6 महीने हुए कर जी, लेकिन हमारे मामा जी हैं ना जी, वो करते हैं, उन पर 350 डब्बे हैं जी, तो उनसे हमने काम सीखा है। अच्छा। हाँ जी, तो उन्होंने हमको पूरे विस्तार से समझाया है जी कि एक बॉक्स में कितने शहद निकलता है। अच्छा। कैसे मधुमक्खी पालन की जाती है। अच्छा। एक बक्से में एक रानी मक्खी रहता है जी। हाँ जी जी, एक रानी मक्खी उस बॉक्स में रहता है ना जी, तो उस जिस बॉक्स से मधुमक्खियाँ उड़ेंगी ना वो उसी बॉक्स में आएंगी। अच्छा। दूसरे बॉक्स में नहीं जाएंगी। ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इस मक्खी की खासियत ये होती है, ये 30 किलो 3 किलोमीटर की रेंज होती है ना। अच्छा। तो जहाँ पर भी फूल हों, फल हों, वैसे कोई जैसे अपने नीम वगैरह कोई भी हो जी, कोई भी फल फूल हो, वहाँ से रस ग्रहण करके दोबारा अपने बक्से में आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। आपसे एक सवाल और है कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर हरियाली कम है, इसमें क्या मधुमक्खी पालना एक फायदे का सौदा होता है? देखिए सर, एक फायदे का सौदा इसमें एक ये है कि हरियाली, हम ऐसे क्षेत्र में हैं जो यहाँ पर हरियाली है, सरसों भी है। हाँ। ये सरसों का फूल ज़्यादा यूज करती है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक फायदा ये होता है कि जैसे हमारे शहद निकलता है, हम शहद निकालते हैं जी, तो शहद निकालते हैं तो इसमें क्या है कि हम मंडियों के बजाय यहाँ पर लोकल में बेचते हैं ना, तो हमको और फायदा मिलता है। ठीक है। लोकल में हमको दाम यहाँ मिल जाते हैं 600 रुपये के किलो के, 700 रुपये किलो के। ठीक है। मंडियों में हमको देते हैं 400 रुपये किलो। ठीक है। पैसे हाँ, तो इस हिसाब से हमको ये फायदा रहता है यहाँ पर। अच्छा। रहने का सर, आप इसमें जैसे इसके प्रोसेसिंग, इसको प्रिजर्व करने यानी सेफ रखने के लिए आप खुद शहद में कुछ मिलाते हैं या एडिटिव छान के आप ग्राहकों को देते हैं? नहीं, एडिटिव बिल्कुल जो सेफ निकलता है ना। हाँ। प्योरिटी वही देते हैं। अच्छा, खुद आप यहाँ पर ग्राहक देते हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इन मधुमक्खी पालन के लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली, सरकारी सहायता वगैरह या सरकारी सहायता? सब हमने हमारे मामा जी ने ली सब। अच्छा। तो मामा जी ने हमारे ने सब हमारे लिए शिफ्ट करे। ठीक है। ठीक है। जैसे किसान कोई भी आई मधुमक्खी पालन करना चाहे, उसके लिए आप कोई टिप्स देंगे कि किसानों को, नए लोगों को जो एक मधुमक्खी पालन करना चाहेंगे? देखिए सर, मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, हर जिला स्तर पर होते हैं। ठीक है। वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। और आप जैसे 100 डब्बे लेंगे जी, तो 100 डब्बे आपको करीब 3 लाख रुपए के पड़ेंगे। ठीक है। हैं जी। ठीक है। उसमें 40% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। ठीक है। 2-3 किस्तों में हमारे लिए। ठीक है। तो एक तो ये फायदा हो गया हमको। ठीक है। ऊपर से दूसरा फायदा ये है कि अपना जो शहद निकलता है ना जी, वो हम स्टोरेज कर लेते हैं। ठीक है। इस शहद का 3 वर्ष तक कुछ नहीं बिगड़ता है। ठीक है। हाँ जी। ये शहद आपका कहने का मतलब कि शहद को अगर स्टोरेज करें तो 3 साल तक, 3 साल तक खराब नहीं होता है। ठीक है। 3-4 साल तक खराब नहीं होता है। ठीक है। देखिए साहब जी, ये अपना जैसे ये एक बॉक्स है जी, है जी जी, तो एक बॉक्स में करीब 8 सीट रहती हैं जी, ये 8 छाते रहते हैं, सीट्स बोलते हैं जिनको। देख। ठीक है। ये सारी मक्खियाँ दिख रही हैं आपको, 8 सीट है अपने। इनमें रानी मक्खी कहाँ सेंटर में होगी? वो सेंटर में होती है। अच्छा। कहीं भी हो वाले, वो तो एक डब्बे में होनी चाहिए। ठीक है। एक जरूरी है। ठीक है। एक सीट में करीब 1/2 किलो शहद निकलता है। ठीक है। तो 8 सीट में यानी एक डब्बे में 4 किलो 4.5 किलो शहद हो गया अपना। एक साल में नहीं। हाँ। एक करीब एक महीने में। अच्छा, एक डब्बे से करीब 4 किलो के करीब शहद निकल सकता है। हाँ सर। एक डब्बे से। अच्छा। तो फूलों का सीजन हो तो सर 20 दिन में भी निकल आता है। अच्छा। हाँ, जैसे फूल कम हो तो 1.5 महीने भी लग जाता है। अच्छा। मतलब सर औसत 1.25 महीने पड़ता है। अच्छा। 1.25 महीने में हमको शहद निकालना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। इनके सेहत के लिए कुछ दवाएं वगैरह भी होती हैं क्या? नहीं नहीं, इनकी सेहत के लिए कोई दवाई नहीं होती, खाली इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम करना पड़ता है। अच्छा। जैसे आपके फोटो में आ गया होगा, उसमें थोड़ा लसन रखा है। अच्छा। इससे चेंटी या चेंटा अच्छा, के अंदर ना घुसे। अच्छा। क्योंकि चेंटा और चेंटी मार देती है मक्खियों को। अच्छा। इसलिए इनके लिए BSG पाउडर डालना पड़ता है। अच्छा। इन साइडों में देखो, ये पड़ा हुआ देखो नीचे बॉक्स के नीचे BSG पाउडर। हाँ, इससे क्या वो चढ़ता नहीं इससे।
आवारा चेटी छेटा वो चढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो इनकी सुरक्षा जरूरी है, बाकी अपनी सेफ्टी खुद करते हैं। अभी हमारा बॉक्स फुल हो जाता है ना जी, तो हम क्या करते हैं, बॉक्स लेके आके हमारी ये मशीन है, देखिए अच्छा हाँ जी, ये मशीन है, तो इसमें सीट देख रहे हैं ना, ये सीट तो वो फ्रेम है ना, डब्बे का फ्रेम इन सीटों में सेट कर देते हैं, ठीक है, सीटों में सेट कर देते हैं, उनको निकाल के और ये घुमाते रहते हैं इस प्रकार से, ये घुमा के हाँ वो पूरा झड़ जाएगा, हाँ सेट से झड़ जाएगा, बाकी जो छत्ता है वो सेफ रह जाएगा। अच्छा, वो फिर दोबारा उसमें सेट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर उस छत्ते को उसी में रख देते हैं, उसी बॉक्स में रखेंगे जिसमें से निकाला है। अच्छा ठीक है, दूसरे बॉक्स में नहीं रखेंगे क्योंकि फिर मक्खियाँ इधर उधर हो जाएंगी। हाँ, जब भर जाता है तो यहाँ से हम खुल के इसको इसमें अपने पीपे में, ठीक है ठीक है, अपने पीपे में, बाकी सुरक्षा के और इंतजाम होते हैं, जैसे दस्ताने हैं और वो है। अच्छा, बाकी एक जाली बताऊँगा मैं, मशीन को उसमें सेट करते हैं, ठीक है, जैसे मक्खियाँ उधर दोबारा पहुँचे नहीं, सेट निकालते वक्त, ठीक है, जैसे धोखा नहीं रहे खाने का मरने का उनका, ठीक है, तो ये उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, अपने लिए और मक्खियों के लिए भी, दोनों सुरक्षा। दूसरा खाली डब्बा है ना, ये बड़ा इनको बढ़ाना पड़ता है, डब्बे बढ़ जाते हैं फिर उनको बांटना पड़ता है, मतलब कि आधे मधुमक्खी इधर आधे मधुमक्खी दूसरे नए नहीं, नहीं, में जो जो फायदे उस डब्बे में ज़्यादा होंगी ना वो इस डब्बे में सेट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, इसलिए खाली डब्बे इनको जरूर रखने पड़ता है। ये डब्बे आप बनवाते हैं या ये बने बनाए कहीं मिलते हैं? बने बनाए मिलते हैं। अच्छा, बने बनाए। ये डब्बे क्या रेट पड़ते हैं? एक डब्बा अब तो फिलहाल इसका रेट महंगा चल रहा है। अच्छा, करीब 5,000 के लगभग चल रहा है। अच्छा, वैसे आपको जैसे गवर्नमेंट संपर्क करके लेंगे तो आपको 3,000 में पड़ेगा। अच्छा, इन डब्बों में अभी तो एक खाली दिख रहा है, इन डब्बों में खांचे भी होते हैं उस 5,000 में? नहीं, सीट बताया ना आपको, हाँ वो सीट डालना पड़ता है ना, सीट आप अलग से खरीदेंगे? हाँ अलग से। अच्छा, वो सीट कितने की आती हैं? हाँ वो सीट ये बहुत तो थोड़ी एक कोई 200 रुपये की कोई 250 रुपये की सीट के हिसाब से। अच्छा, सीट वो किस चीज़ की होती है? सीट लकड़ी की होती है। नहीं, बाहर का फ्रेम लकड़ी का होता है, जो अंदर वाला पोर्शन वो तार होते हैं क्या होता है? वो जाली होती है जो। अच्छा, जाली छाता बोलते हैं वो। हाँ छाता। हाँ वो उसका होता है, फोम का होता है वो। अच्छा, फोम का होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। थैंक यू जी, हमारे चैनल के लिए आपके बहुत सारी चीज़ें बताई, हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे वो बहुत कुछ जानेंगे और उत्साह उनका उत्साहवर्धन हो रहा होगा हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद। ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और इसकी वजह से आज इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को, ताकि आपको एक नई नई तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी।